नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन आपको आज लेके चलते हैं सिलमपुर, जहां पर हमने आपको सर्वे में दिखाया था कि किस तरीके से लोग बदलाव चाहते हैं। तो आज आपको मिलाते हैं हसीबुल हसन से। हसीबुल हसन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। धन्यवाद सर, आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारा के बहुत देखे, उसके बारे में बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे राजनीति में आए कैसे आप। देखिए, राजनीतिक सफर तो बचपन से चालू हो गया था, छात्र आंदोलन से, और 96 से लेकर 2001 तक जब तक कॉलेज की पढ़ाई करी, जब तक के छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से योगदान रहा मेरा। मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी रहा, रोहनगंज विश्वविद्यालय में मेरी पढ़ाई पूरी हुई। उसके बाद में कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी बन गई कि शायद पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाया, तो फिर पिताजी का कारोबार संभालने लगा और यहाँ से मेरा राजनीतिक करियर चालू हुआ। आम आदमी पार्टी से जुड़ने का सफ़र कहाँ से चालू हुआ? देखिए, बचपन से ही राजनीति का शौक़ था, और हमेशा से ही अगर कहीं दमन की नीति पे अगर सरकार काम करती थी या छात्रों को दबाने की कोशिश पे सरकार काम करती थी, तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करते थे। तो आंदोलनकारी मिजाज था, आम आदमी पार्टी बन गई, आंदोलन से पार्टी बनी थी। ऐसा महसूस हुआ कि यही वो पार्टी है जिससे हमें जुड़ना चाहिए, तो शायद मैं ये सोच के पार्टी से जुड़ गया। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी से जुड़ा और निस्वार्थ रूप से मैं पार्टी के लिए कार्य करता रहा। पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी पार्टी ने मुझे। पार्टी ने मुझे गांधीनगर मार्केट से GST का चेयरमैन बना दिया। पार्टी ने मुझे ग्रीवेंस सेल्स में रखा। पार्टी ने मुझे मनोनीत निगम पार्षद बना दिया। मैंने जितने भी कार्य पार्टी के लिए किए, तो पार्टी ने भी उससे ज़्यादा मुझे बढ़ चढ़ के मान सम्मान और प्यार दिया। मान सम्मान समझ में सर आ रहा है, मगर ये आई लव केजरीवाल के पोस्टर मुझे मान सम्मान के रिटर्न से ज़्यादा राजनीतिक नज़र आ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक नहीं है ये, तो जनता का प्यार है, मेरा प्यार है अपने केजरीवाल जी के लिए, अपनी आम आदमी पार्टी के लिए, कि हम लोग उन्हें सिर्फ यही कह सकते हैं, आई लव यू। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, गरीब जनता कुछ नहीं दे सकती, गरीब जनता सिर्फ आई लव यू कह सकती है, जो केजरीवाल जी ने पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक आम जनता के लिए जो कार्य किए, उस कार्य को हम सिर्फ आई लव यू बोल के पूरा कर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी से आई लव यू टू सुनने की उम्मीद कम नज़र आ रही है, क्योंकि मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या लगता है अभी टिकट की रेस में और टिकट मिलने वाली है, क्योंकि आपकी जो मुझे पूरा प्रचार नज़र आ रहा है, और इवन मैंने लोगों से बात करी तो लोगों ने मुझे बताया कि लोगों को चाहिए पढ़े लिखे होने चाहिए, ईमानदार छवि के होने चाहिए, स्वच्छ छवि के, बेदाग छवि के। आप पे कोई दाग तो नहीं है? देखिए, मुझ पे क्या, मेरी पूरी पार्टी पे कोई दागदार नहीं है। आप बता दीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से, आप सर्वे कर रहे हैं सारी विधानसभाओं में जाके, आपने सीलमपुर विधानसभा का भी सर्वे करा, आप बता दीजिएगा अगर एक भी दागदार व्यक्ति हमारी पार्टी में आएगा तो हम लोग उसे निकाल देते। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है, हमारा नेता ईमानदार है, हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम लोग बेदागी हैं, हमारे दामन पर कोई दाग नहीं है। हमारी पार्टी में ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाता जो भू माफिया हो, जो दागदार हो। बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए कि ऐसा कोई भी काम अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी नहीं करती है कि जिससे कि जनता को ठेस पहुंचे, और हम लोग सिर्फ ईमानदारी के बल पे आए हैं, और आज जितने भी कार्य किए हमने वो सिर्फ ईमानदारी के बल पे किए। जब हम लोग दिल्ली के अंदर आए थे तो उस समय हमारा दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से कम का था, आज ईमानदारी के बल पे हम 60,000 करोड़ से प्लस पहुंच गए। जब हम लोग आए थे तो भी हम लोगों के पास पैसा नहीं था, आज 5 साल हम लोगों ने सरकार चला ली, आज भी हमारे पास पैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि पैसा देते हैं माफिया लोग, हम लोगों के पास पैसा कौन देगा आके? हम लोगों ने काम करे जनता के, गरीब जनता के काम किए, इसलिए आप हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा पे शक नहीं कर सकते। आपकी निष्ठा पे शक नहीं है, मगर मुझे आपके जो पोस्टर्स पे शक आ रहा है कि ये पोस्टर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल से डिपेंड नज़र आ रहे हैं, और लगता है कि आप टिकट की रेस में नज़र आ रहे हैं, आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, टिकट मांगना हर एक कार्यकर्ता का हक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है, डिपेंड करता है पार्टी किसे मौका देती है। और मेरे अंदर भी इच्छा है, मैं भी सीलमपुर से विधानसभा से टिकट चाहता हूँ। अब देखिए, पार्टी किसे टिकट देती है, पार्टी हाईकमान पे है, और जो प्रचार जो भी व्यक्ति, सवाल मेरा बीच में आता है कि केजरीवाल जी से आई लव यू टू कब सुनने जा चाह रहे हैं आप? देखिए, केजरीवाल जी तो हमेशा आई लव यू टू ही बोलते हैं दिल्ली की जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने वैलेंटियर। आपके लिए पर्सनल बात करो, क्योंकि आई लव यू टू का मतलब आपको टिकट मिलने की कितनी उम्मीद नज़र आ रही है आपको? देखिए, एक आई लव यू टू अलग चीज़ हो गई, और टिकट मिलने की उम्मीद अलग चीज़ हो गई। हमारे यहाँ टिकट जनता देती है, हमारे यहाँ टिकट जनता देती है, आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता अगर आपको पसंद करती है, अगर आपके दामन पे कोई दाग नहीं है, आप साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं,
तो आपको पार्टी टिकट देगी। हमारे यहाँ रिज्यूम नहीं चलते, हमारे यहाँ से आते हैं लोग पार्टी से, वो एरिया के अंदर सर्वे करके जाते हैं, अगर आप इसके लिए हैं तैयार तो फिर आपको टिकट मिलेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर टिकट पार्टी हाईकमान नहीं देती, टिकट भी दिल्ली की जनता देती है, क्योंकि दिल्ली ये ऐसा, हाँ और एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये ऐसी पहली पार्टी है कि जो जनता के लिए काम करती है और जनता ही चुन के भेजती है और टिकट भी जनता देती है, क्योंकि जब तक जनता का प्यार, जनता का समर्थन अच्छा, नहीं मिलेगा। जनता है, देखिए जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा नेचर, मेरा व्यक्तित्व, मेरी छवि, मैं एक साफ छवि का व्यक्ति हूँ और मुझे सीलमपुर की जनता प्यार करती है, और बाकी पार्टी पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि सीलमपुर की जनता और किसी को ज़्यादा प्यार करती हो, मगर मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे प्यार करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको मिलवाया हमने सीलमपुर के, जो मुझे लगता है, मेरे सर्वे को लगता है कि ये रेस में शामिल है, ये बात क्लियर नहीं बता रहे। हाँ ये कह रहे टिकट के चाहवान तो हैं मगर किसी रेस में शामिल नहीं है, तो देखते हैं कि आई लव केजरीवाल तो बोल चुके हैं, आई लव यू टू केजरीवाल जी का जवाब कब आने वाला है। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया अमित महाजन के साथ।